हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका डीपीडी पाठशाला में स्वागत है। आज का जो पेपर हुआ है आरआरबी मिनिस्ट्रियल पोस्ट का, आज हम लोग पूरा करने वाले हैं जितना मेरे पास मिला। ठीक है, तो हम लोग पूरा ए टू जेड उससे रिलेटेड भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका चेयरमैन कौन है? तो वह है तुम्हारा पी डी वाघेला। क्या है ये? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन है। क्या है? चेयरमैन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ठीक है, तो मैंने इसको समझा नहीं, तो फिर मैं इसको डिटेल में पूरा लिख चुका हूँ। ये राजीव गांधी खेल रत्न है दोस्तों, ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड है ये हाईएस्ट। ठीक है, इसकी स्थापना 1991 को किया गया था और 2019 में राजीव गांधी पांच प्लेयर को मिला है। किसको मिला है मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। पहला है रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर है, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस है, रानी रामपाल जो कि हॉकी से हैं, और विनेश फोगाट जो रेसलिंग से हैं, और मरियप्पा जो हैं वो पैरा एथलीट से हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा राजीव गांधी खेल रत्न आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते किस लिए? NO2CO3 से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, विच कंट्री होस्ट फुटबॉल कप 2023 का जो फुटबॉल कप होगा वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? वो है चाइना। ठीक है दोस्तों, ये AFC तो एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग फुल फॉर्म भी देख लेना। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो किसको अलग करता है? दो है अंडोमान और निकोबार को। ठीक है ना, अंडोमान और निकोबार को अलग करता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लोहित इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? लोहित जो एक रिवर है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी से, कौन सी रिवर की सहायक नदी है? ये सहायक बोलते हैं ट्रिब्यूटरी को, ठीक है, हिंदी में सहायक नदी है। तो वह दोस्तों ब्रह्मपुत्रा की है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा की है। अब ब्रह्मपुत्रा टोटल फ्लो कितना करती है? 2900 किलोमीटर, लेकिन दोस्तों इंडिया में सिर्फ ये मात्र कितना फ्लो करती है? 916 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद होगा, ये मैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोग की कर रहा हूँ। मैं टोटल आपको 60 या 100 से ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा इसी के अंदर। ठीक है, चोला एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो विजयाला मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, ऊपर को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वोटिंग एज हमारा जब 21 था, 21 से 18 कर दिया गया था रिड्यूस करके, वो कौन सा अमेंडमेंट में हमारा वोटिंग एज है रिड्यूस करके 18 से 21 कर दिया गया था? वो अमेंडमेंट है 61 अमेंडमेंट 1989। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक बार आर्टिकल्स और अमेंडमेंट एक बार देख लेना शेड्यूल। ठीक है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्त पूछा गया है फोर्स का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का? ठीक है, तो फोर्स का दोस्तों ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, और मैंने आप लोग भाई ऐसा यूनिट सारा देख लीजिएगा। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फाउंडर कौन किया था? वो BR अम्बेडकर है, जिनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारे BR अम्बेडकर जी ने लिखा, तो फादर कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं BR अम्बेडकर को। ठीक है, ठीक है, गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है? तो यार स्टेट पूछा एग्जाम में पूछा दोस्तों, तो उड़ीसा होगा। और किसके लिए फेमस है ये पूछा होगा, तो ये ओलिवर रेडली टॉर्टेल, मगरमच्छ के, सॉरी ये टॉर्टेल है मतलब कछुए के लिए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, कौन सी? चार टॉप ऑप्शन दिया होगा, तीन तो उसमें से होगा कि जो होती है, किन कौन सा नहीं होती, तो वो CNG। अगर CNG का एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तो आपको क्या बोल सकते हैं दोस्तों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, पाना नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे है? पाना नेशनल पार्क दोस्तों आप लोग कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में है पाना नेशनल पार्क। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में दोस्तों आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश में बहुत सारे अभी पार्क हैं जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पाना नेशनल पार्क हो गया, सतपुरा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा यहाँ जगह नहीं मैंने दी पा रहा हूँ। ठीक है, फिर कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये दो तीन जो कि आपको इंपॉर्टेंस है बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों, हीराकुंड डैम जो है कौन से रिवर पे है? सॉरी, कौन से रिवर पे पूछेगा? तो दोस्तों ये महानदी रिवर पे है। ठीक है, जो रिवर पूछेगा तो ये महानदी रिवर के ऊपर स्थित है। और कौन सा स्टेट में? तो दोस्तों उड़ीसा में है। ठीक है, और सबसे बड़ा डैम है ये, लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट
आपको ऐसा क्वेश्चन था तो मैंने यूनेस्को का, अगर इंडिया का यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने इंडिया को ऐड किया गया, तो 38 टोटल ऐड किया गया। उसमें 30 गो कल्चर से रिलेटेड है, 7 गो नेचुरल से और एक मिक्स है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका होगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस में, ठीक है। हु स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, 1786 में, तो चार्ल्स कॉर्नवेलिस है, ठीक है। बी सी डी का फुल फॉर्म क्या होता है, बी सी डी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो आप लोग एक बार फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, तो स्टार्ट अगर पूछा होगा क्वेश्चन में तो 1920 है, किसने किया था, वो महात्मा गांधी, ठीक है। 1919 में दोस्तों रॉलेट एक्ट हुआ है, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, तो भाई ये इंपॉर्टेंस अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। गुरु शिखर हिल्स लोकेटेड, गुरु शिखर जो हिल्स है दोस्तों वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से माउंटेन में लोकेटेड है, तो अरावली माउंटेन में, ठीक है। आई होप आप लोग का समझ में आ रहा होगा अरावली माउंटेन में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग जो आज एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। आईसीसी, यहाँ बोला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितने टीम पार्टिसिपेट करते हैं, ये पूछा गया था, तो ये 10 टीम पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने बस बोला कि सर ये नहीं आया था, मतलब कौन जीता था, कौन विनर था वो बता दिए, तो मैंने वो सब कुछ लिख चुका हूँ। 2019 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, उसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड फाइनल में गए थे और इंग्लैंड जीता था, ठीक है, इंग्लैंड जीत गया था, विनर था। आज का आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीसी का, दुबई में। देखिए मैं इतना सारा क्वेश्चन करा दिया एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का नेक्स्ट जो एग्जाम होगा कल जो आने वाला होगा पूछा जा सकता है। मौर्य रूल का लास्ट किंग कौन था, तो मैं यहाँ पे लिख दिया विद्यार्थी थे, और फाउंडर कौन था फिर, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भारत रत्न अवार्ड 2019 में किसको मिला है, तो ऐसा क्वेश्चन आया कि भारत किसको नहीं, अगर तीन तो दिया होगा कि नहीं मिला है, आई तो दिया होगा किसको मिला है, तो आप लोग मैं चारों लिख चुका हूँ, जो आपका ऑप्शन मिलेगा मिला उसको आप टिकट मार सकते हैं। नानाजी देशमुख को मिला है, भूपेंद्र हजारिका को मिला है, अप्रणब मुखर्जी को भी मिला है हमारा भारत रत्न अवार्ड, जो कि ये इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड। इसकी भी स्थापना कब किया गया था, 1954 में किया गया था, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, अभी एक क्वेश्चन आया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से राज्य से पास होती है, तो तीन होगा जहां पास नहीं होती है, एक होगा जहां पास होती है, ठीक है। तो मैंने टोटल जो पास होती है स्टेट राज्य से, वो 8 राज्य हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब कौन कौन सा होती है, मैंने टोटल ही चुका हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स टू ऑल द बैंक इन इंडिया, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। थोरियम जो है इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पाया जाता है, तो वह केरला फर्स्ट है, सेकंड में दोस्तों झारखंड है, ठीक है। एक बार दोस्तों एम्बेसडर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर एक बार आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। नोकिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन करता है, आलिया भट्ट करती है, आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिया जो है, इंडिया हॉकी टीम का हेड कौन है, यहां पे मैं लिख चुका हूं, ग्रेमन रीड जी हैं। मुंबई जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना कब किया गया था, मुंबई का जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना दोस्तों 1875 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कैपिटल मोराको का कैपिटल क्या होगा, कैपिटल का पढ़ लीजिएगा, रॉबर्ट होता है कैपिटल, इसका क्या होगा, कैपिटल होता है दोस्तों रॉबर्ट हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था, 2015 में किया गया था, ठीक है। नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था दोस्तों, 2015 में किया गया था, ठीक है। इसका हेड कौन होता है, खुद पीएम होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि इसका भी हेड कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके नीति आयोग के सीईओ कौन है, सीईओ है अमिताभ कांत जी हैं। इसका चीफ कौन है, राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। आई होप आप लोग, मैं पूरा आपको डिटेल में करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में आपको देखने को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बिगेस्ट आइलैंड बोला कौन सा है, सबको पता है वर्ल्ड का, ग्रीनलैंड बोला, ग्रीनलैंड होगा, ठीक है। हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था वो डेट कौन सा था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। अगर कैपिटल पूछा होगा, जापान में गिराया गया था, जापान का कैपिटल क्या होता है, टोक्यो होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा होगा कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, उसका नाम था लिटिल बम, ठीक है। इंडिका जो बुक है किसने लिखा है, इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडिका जो बुक है उसको लिखा है मेगास्थेनिस ने, तो आप लोग कैसे पूछ सकता है, जो आप लोग जो हिस्टोरिकल बुक है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल बुक इंपॉर्टेंस है पॉइंट ऑफ व्यू से, बोल देगा रामायण किसने लिखा है, तो पता होना चाहिए कि रामायण किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, महाभारत किसने लिखा है, व्यास जी ने लिखा है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। राज्यसभा का मेंबर का टेन्योर कितना होता है, ऐसा क्वेश्चन था पूछा गया, इसका जो होता है
छः साल होता है, हर दो साल पे 1.1/3 रिटायर होते हैं, ठीक है। राज्यसभा का आपको मेंबर बनना है तो मिनिमम आपका एज कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। देखिए यहाँ भी तीन चार क्वेश्चन, मैंने आपको करीब 100 से 150 क्वेश्चन करा दूंगा इस छोटे वीडियो में, सारा डिटेल में, ठीक है। आपको घबराने की कोई बात नहीं, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%। 2001 में से 2011 का जब इंडिया का पॉपुलेशन जो हुआ था उस टाइम कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, परसेंट बोला तो 17.6% क्या हुआ 2011 से लेकर 2011 के बीच में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। प्रवासी रोजगार योजना लॉन्च कब हुआ था, जो प्रवासी रोजगार जब कोरोना के टाइम में जो प्रवासी लौट के आ रहे थे तो उसको लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया था, उसका क्या नाम था योजना का, वो उसका उसका जो लॉन्च किया गया था वो 20/6/2020 को किया गया था, 20 जून 2020 को। यूएनओ का सेक्रेटरी कौन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार हेडक्वार्टर का आप लोग उनका हेड पढ़ लीजिएगा, सेक्रेटरी जनरल पढ़ लीजिएगा हेडक्वार्टर का, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर का। मालगुड़ी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मालगुड़ी जो डे है तो किसने लिखा है, आरके नारायण ने लिखा है मालगुड़ी, ठीक है। ओरल डे कब मनाते हैं, ओरल डे में कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 20 मार्च को ओरल डे में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जोग जल जल प्रताप में वाटरफॉल कहाँ पे है, जोग जोग जो है वाटरफॉल कहाँ पे है दोस्तों, वो कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटक का बेंगलुरु में, ठीक है। ये कौन सा रिवर पे पूछा होगा, तो रिवर होगा साबरमती रिवर पे स्थित है। शिक्षा के अधिकार किस आर्टिकल्स में, शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल में दोस्तों, तो शिक्षा का अधिकार आपको मिलेगा 21 आर्टिकल्स में, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा है, अकबरनामा दोस्तों किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फैमिली ट्री भी पढ़ लीजिएगा, बाबर के बाद सबको पता है ना, हुमायूं के बाद अकबर, ऐसे सारा पढ़ लीजिएगा फैमिली ट्री। अबुल फजल लिखा था, ठीक है। एक बार बाबर कितने बेटे लड़ा था आपको उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2020 में रैंक इंडिया का कितना था, 63 रैंक था इंडिया, कितना रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, 63 है। तो आपका फर्स्ट कौन था, न्यूजीलैंड है, ठीक है। इब्न बतूता जो आया था कौन से कंट्री से आया था, इब्न बतूता जो है वो कौन से कंट्री से दोस्तों आया था, वो आया था मोराक्को से, ठीक है। नीति आयोग का हेड कौन है, अमिताभ कांत ने बता चुका हूँ। बंगाल का विभाजन इन विच, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, 1905 में हुआ था, ठीक है। स्वाद कौमुदी के लेखक कौन है, तो राजा राम मोहन रहा है, ठीक है। यहाँ भी फिजिकल साइंस से भी क्वेश्चन पूछा गया, केमिस्ट्री से, फोर्स से पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट है, लॉ ऑफ इक्वलिटी से, लॉ ऑफ इनर्शिया से, तो आप इसको देख लीजिएगा, फिजिकल साइंस का ऐसा यूनिट देख लीजिएगा, ठीक है। आप थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। MICR का इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इनकैरेक्चर्स रिकॉग्निशन, ठीक है। गिनीस बुक ऑफ रिकॉर्ड 2019 का भी देखिए करंट अफेयर आपको पूछा गया है, गिनीस बुक ऑफ रिकॉर्ड 2019 में कौन सा मेला को रखा गया, तो है कुंभ मेला। कुंभ मेला को क्या गया है, गिनीस रिकॉर्ड रखा गया 2019 में, कुंभ मेला को रखा गया, ठीक है। कॉपी करने के लिए कोई भी शॉर्टकट की क्या होता है कंप्यूटर में, तो वह Ctrl+C, ऐसे पूछता है कि पेस्ट करने के लिए क्या होगा, तो Ctrl+P होगा, ठीक है। ROM रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ROM रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, रीड ओनली मेमोरी होता है जो कि फुल होता है रीड ओनली मेमोरी, ROM का फुल फॉर्म। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। मैं स्क्रीन शॉट लेना ले सकते हैं, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कम पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा है। ऐसे पूछ सकता है नेशनल एंथम किसने लिखा है, तो ये सब इजी क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, आप लिख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। पीएच जो होता है पीएच वैल्यू, उसका फुल फॉर्म क्या होता है पीएच का, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मैंने आप लोगों को 60 क्वेश्चन कराने की कोशिश की, लेकिन देखिएगा तो 100 से ऊपर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिटेल में कराने की कोशिश की, कोई ना कोई आपको शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। फिर कल आप लोगों को एनालाइज करवाएंगे कल पेपर कैसे पूछा गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।